नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है BSSC सेकंड इंटर स्तरीय से। अब ये जो अपडेट है वो आपके लिए खुशखबरी है। तकरीबन 1198 वैकेंसी निकले थे जब ये नोटिस निकला था, लेकिन 27 तारीख के डेट में एक और मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया गया है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको कि लगा कि हमें भी BSSC में इन्वॉल्व होनी चाहिए, हमें भी लड़कों की कमी है, यानी कि नौकरियाँ हमें भी देनी है। तो BSSC से रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें भी जो है वो लड़के की कमी है, तो आप हमारी वैकेंसी को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए। यानी कि अब टोटल वैकेंसी जो है वो पहले 11198 था, वो अब बढ़ के कितना हो गया है, 12199 हो गया है, आप देख सकते हैं। और कौन नए विभाग जुड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से नए जो विभाग हैं वो रिक्वेस्ट किया है BSSC से कि ये वाला वैकेंसी हमारा भी निकलवा दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट नहीं, ये फाइनल हो गया है, अब आपके वैकेंसी बढ़ गए हैं। यहां पे देखिएगा, ज्यादातर वैकेंसी आपके LDC की ही है, लेकिन एक वैकेंसी इसमें कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक की है जो कि Level 2 का ही वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा इसी की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं 700 प्लस 1000 जो है वो 100 समथिंग जो है वैकेंसी ऐड हुई है, उसमें 700 के प्लस आपके इसी अन्वेषण में जुड़ गए हैं। और आपके जो उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के हैं उसमें भी वैकेंसी निकली है। उसके बाद संस्कृति कार्य निदेशालय जो LDC उसमें भी वैकेंसी निकली है। अभियोजना निदेशालय उसमें भी गृह विभाग के वैकेंसी निकली है। उसके बाद अग्निशमन के वैकेंसी निकली है। और नीचे चले जाते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के निकले हैं, कारा एवं सुधार सेवाओं के, तकरीबन 7 विभाग के यहाँ पे वैकेंसी निकली है। अब बात कर लेते हैं इसकी तकनीकी योग्यता। इसमें तकनीकी योग्यता देखिएगा, इसमें आपको टंकन का ज्ञान, यानी कि इसमें कंप्यूटर पे टंकन आनी ही चाहिए, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ टंकन का ज्ञान लिखा हुआ है। और ये आपके जो है वो तकनीकी योग्यता लिखा है, तो यानी कि 100% ये अनिवार्य है, वांछनीय नहीं है। लेकिन जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर का ज्ञान और जो है वो टंकन का ज्ञान, कहने का मतलब ये है कि दोनों का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है बिहार में आपको भी पता है, ठीक है। आप 500-700 खर्चा कीजिएगा, दोनों सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जिस भी डेट से आपको चाहिए बैक डेट में, ठीक है ना। हालांकि अब बैक डेट में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मिल ही जाता है, ये बिहार है और बिहार में कुछ भी होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपके लिए राहत भरी, चूँकि फर्स्ट इंटर स्तरीय में इससे भी कम वैकेंसी थी, ठीक है ना, 11000 के तकरीबन वैकेंसी थी। और तकरीबन 1000 समथिंग को तो छाट भी दिया था, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे थे। तो तकरीबन 10000 लोग लगभग ज्वाइन किए, उसमें भी बहुत सारे लोग रिजाइन भी दे दिए हैं, क्योंकि और अच्छे अच्छे जॉब मिल गए, क्योंकि इतना साल का गैप रहा, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हालांकि लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जॉब वाले छोड़ के इसमें ज्वाइन भी किए हैं, इसलिए क्योंकि जो साउथ में थे 2800 पे ग्रेड, 4200 पे ग्रेड, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे छोड़ के आए हैं। इवन मैं 2400 पे ग्रेड छोड़ के आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो अपने नज़रिए से देखते हैं कि कहाँ पे हमको सुविधा मिलेगी, घर पे नौकरी करने में मज़ा है या बाहर की नौकरी में ज़्यादा पैसा मिल जाए वो मज़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो अलग बात है, उस पर हम डिटेल वीडियो बाद में बताएंगे। मतलब कि आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी आपको। जो भी मन में डाउट है कि भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन होगा, क्या चीज़ें हैं, सिलेक्शन तक आपके साथ में रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।